हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम जयपाल और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल नंबर वन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने में जियो मोबाइल के अंदर आप कॉल फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, और यदि आपके पास यदि एक सिम है और उससे आप कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको क्या कुछ आपके पास होना चाहिए तब आप कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ भी जरूरत नहीं। आपके पास मोबाइल के अंदर रिचार्ज है वो आपके पास होना चाहिए। जो भी आपके मोबाइल के अंदर सिम है उसके अंदर रिचार्ज होगा तभी आप कॉल फॉरवर्ड का ऑप्शन है आपको इनेबल कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग के अंदर चले जाना है, जो भी आपकी जियो मोबाइल की सेटिंग है। और इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी में आपको कॉल सेटिंग के अंदर चले जाना है। तो यहाँ पे कॉल प्रतीक्षा में, तो यहाँ पे थोड़ा आपको वेट करना है। यहाँ पे आ रहा है कॉल फॉरवर्डिंग करें, तो यहाँ पे हमेशा के लिए कॉल फॉरवर्ड, ये थोड़ा यहाँ पे वेट करना रहेगा आपको। और यहाँ पे आ रहा है कॉल हमेशा के लिए फॉरवर्ड करें, और वो आप व्यस्त होने पर, यदि आपके मोबाइल व्यस्त है तब आप कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं, और अनुत्तरित होने पर कॉल फॉरवर्ड करें। यदि आप जब मोबाइल को काट को जब भी कॉल करते हैं उसको आप काटते हैं तब आपको कॉल फॉरवर्ड आना चाहिए, और पहुंच से बाहर होने पर कॉल फॉरवर्ड करें। और इतने ऑप्शन में आप कौन सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आप कॉल फॉरवर्ड जिस पे आपको ऑप्शन करना है वो आप कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए हमेशा के लिए फॉरवर्ड पे प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे सक्षम करें और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अपना दूसरा मोबाइल नंबर डालता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया है, और इस सिम के अंदर आपके रिचार्ज होगा तभी आप कॉल फॉरवर्ड को कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेट किया है मैंने, तो ऑपरेटर सफलतापूर्वक सेट किया गया, और ऊपर देख लो वहाँ पे कॉल फॉरवर्ड का ऑप्शन भी आ चुका है। तो इसको आप यदि आप असक्षम करना चाहते हैं सक्षम कर सकते हैं, और सक्षम करना चाहते हैं तो सक्षम पे ऑप्शन करके असक्षम या असक्षम कुछ भी करना चाहते हैं वो कर लो आप यहाँ से। तो मैं इसको वापस असक्षम कर देता हूँ। तो यहाँ पे सेट कर दिया मैंने, और इस तरह हो गया, और थोड़ा सा आपको वेट करना है। ऑपरेटर सफलतापूर्वक सेट किया गया। तो इस तरह आप जियो मोबाइल के अंदर कॉल फॉरवर्ड को आप सेट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।